हे गाइस, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो टाटा आईपीएल 2023 का आखिरी कुछ मुकाबला बचा है, जहां पर बहुत से टीमों के कांच के शीशे की तरह सपना टूट रहा है प्लेऑफ में जाने का। तो दोस्तों, कई टीमों का अभी सांस चल रहा है प्लेऑफ में जाने के लिए। बता दें कि ऐसा ही मुकाबला था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स का वह सपना टूट चुका है प्लेऑफ में जाने का। बता दें कि आईपीएल 2023 का पहला टीम बन चुकी है दिल्ली कैपिटल्स, जो कि प्लेऑफ के दौर से बाहर हो चुकी है। वहीं पंजाब किंग्स का अभी भी सांसें चल रहा है। तो क्या है अभी लेटेस्ट पॉइंट टेबल, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर क्या रहे हैं, हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेटेस्ट पॉइंट टेबल का टाटा आईपीएल 2023 का तो कुछ इस प्रकार से है। नंबर एक पर है गुजरात टाइटंस, जो कि 12 मुकाबला खेला है, 8 जीता है, 4 हारा है और पॉइंट से 16। वहीं नंबर दो पर है चेन्नई सुपर किंग, जो कि 12 मुकाबला यह भी खेला है, 7 जीता है, 4 हारा है, 1 रद्द रहा है और पॉइंट से 15। वहीं नंबर तीन पर है मुंबई इंडियंस, जो कि 12 मुकाबला खेला है, 7 जीता है, 5 हारा है और पॉइंट से 14। वहीं नंबर चार पर है लखनऊ सुपर जायंट, जो कि 12 मुकाबला खेला है, 6 जीता है, 5 हारा है, 1 रद्द रहा है और पॉइंट से 13। वही नंबर पांच पर राजस्थान रॉयल्स, जो कि 12 मुकाबला खेला है, 6 जीता है, 6 हारा है और पॉइंट से 12। वही नंबर छह पर है पंजाब किंग्स, जो कि 12 मुकाबला खेला है, 6 जीता है, 6 हारा है और पॉइंट से 12। वही बता दें कि नंबर सात पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो कि 11 मुकाबला खेला है, 5 जीता है, 6 हारा है और पॉइंट से 10। वही नंबर आठ पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि 12 मुकाबला खेला है, 5 जीता है, 7 हारा है और पॉइंट से 10। वही नंबर नौ पर है सनराइजर हैदराबाद, जो कि 11 मुकाबला खेला है, 4 जीता है, 7 हारा है और पॉइंट से 8। वही नंबर 10 पर है दिल्ली कैपिटल, जो कि पहला टीम बन चुकी है जो कि प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, 12 मुकाबले खेल चुकी है, 4 जीती है, 8 हारी है और पॉइंट से 8। तो दोस्तों, यह है लेटेस्ट पॉइंट टेबल टाटा आईपीएल 2023 का। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।